एक बार फिर पूर्वांचल की धरती और पूर्वांचल में ये खलीलाबाद सीट से यहाँ से जानेंगे कि साइकिल की रफ्तार कितनी तेज है या फिर कमल खिलेगा। अब देखना ये होगा कि खलीलाबाद विधानसभा में जनता की क्या राय है। एक तरफ क्या योगी को सीएम चेहरा देखना चाहते हैं या फिर अखिलेश को। अब मेरे साथ भैया यहाँ से स्थानीय हैं, जानेंगे कि यहाँ पर साइकिल की रफ्तार है या कमल का फूल खिलेगा। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ साइकिल की रफ्तार तेज पकड़ने जा रही है और संत कबीर नगर की तीनों सीट दनघटा, खलीलाबाद, मेहदावल तीनों सीट पे समाजवादी जीत दर्ज करने जा रही है। अगर बात यहाँ की स्थानीय करें तो यहाँ लोग कौन कौन सी समस्याओं को लेकर के जो आने वाले समय में वोट करेंगे। मान्यवर मैं आपको बता दूं, यहाँ सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, छात्रों नौजवानों के भविष्य का यहाँ पर सवाल है। और यहाँ पर यहाँ गोरखपुर में बस अड्डा है लेकिन संत कबीर नगर, गोरखपुर में हवाई अड्डे तो हैं लेकिन संत कबीर नगर में एक अस्थाई बस अड्डा तक नहीं है। बहुत सारी चीज़ है यहाँ पे, मगहर में सूती मिल का जो संचालन होता था उसको ब्रेकअप कर दिया गया है। और यहाँ पर गोरखपुर के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वहीं पर गोरखपुर में विकास करते हैं लेकिन संत कबीर नगर को अछूता छोड़ देते हैं। और जो भी पूरे प्रदेश का हाल वो पूरा एकदम खस्ता हो चुका है क्योंकि योगी आदित्यनाथ पूरे 5 साल में समाजवादियों के काम का फीता काटते रहे, समाजवादियों द्वारा बनाए गए बिल्डिंगों का रंग बदलते रहे। अगर रंग बदलने से विकास होता तो गिरगिट न जाने कब का मगरमच्छ हो गया होता। इन्हीं सब मुद्दों पर समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, योगी के भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार बनाने जा रही है, छात्र विरोधी नौजवान विरोधी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके खिलाफ पूरा नौजवान छात्र आगे निकल चुका है और समाजवादियों की सरकार बनाने जा रहा है। जी भैया, क्या लग रहा है कि यहाँ कमल खिलेगा या साइकिल की रफ्तार तेज होगी? कमल तो खिलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। पिछली सरकार जो समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ से गई थी उत्तर प्रदेश से, योगी की सरकार ना आते हुए बीजेपी की सरकार लाई गई थी कमल चुनाव निशान के बैनर के नीचे चुनाव चिन्ह पर। और अगर यहाँ की जनता ये जानती कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे तो कतई यहाँ की एक भी सीटें बीजेपी की नहीं निकलती, क्योंकि ये दम्भी घमंडी और पाखंडी थे। पूरे पूर्वांचल में योगी जी ने सिर्फ एक काम किया कि पाखंडी धर्म का जो है प्रचार किया, वास्तव में हमारे हिंदू धर्म को नेस्तनाबूत करने का काम किया। आज सबसे ज़्यादा हम लोग हताहत इस बात को रहते हैं, हम लोग सनातनी हिंदू हैं और हिंदू धर्म जो खाली इनके पाखंड की वजह से बर्बाद हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे यहाँ रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये पांचों चीज़ें प्रभावित होकर के पाखंडी धर्म में विलीन हो गई। राम के नाम पर कोई काम नहीं और रोजगार के नाम पर पूरी तरीके से नौजवान जो है आज वेंटिलेशन पर पड़े हुए हैं। अगर खलीलाबाद विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ की जनता के जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के जनता वोट करेगी, वो यहाँ की मेन समस्या क्या चीज़ है? यहाँ की मेन दो समस्याएं हैं, नौजवानों के लिए रोजगार और किसानों के लिए उनकी जितनी एमिनिटीज़ है, किसानों को समय से खाद मिलना, पानी मिलना और तरह तरह की जो दिक्कत हैं वो सारी समस्याएं जो है योगी सरकार ने और बढ़ा दिया, इसका लगभग 2 गुना 3 गुना। सबसे बड़ी समस्या जो योगी की सरकार में हुआ कि अपराध पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं है। मैं तो जो है यहाँ का स्थानीय निवासी के साथ साथ माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। आज के 5 साल पहले जो तमाम क्रिमिनल केसेज आते थे, बेल के केसेज आते थे, मिसलिनियस के, FIR के तमाम केसेज आते थे, उन केसों में तुलना देखा जाए तो आज 3 गुना सबसे ज़्यादा जो है मामले जो है माननीय उच्च न्यायालय में अपराध के उत्तर प्रदेश से आते हैं। हम लोग ये माथा पीटते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में सब विकास के बजाय को छोड़ करके सिर्फ अपराध का विकास हुआ है और पूरी की पूरी जो है यहाँ की आवाम का जो आवाम ने सोच करके योगी सरकार को यहाँ ले आया था और भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा किया था, पूरा का पूरा धरातल पे चला गया। आज की तारीख में हम लोग जो है ठगे से महसूस कर रहे हैं। अब एक आस है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो किसानों, नौजवानों, मजदूरों, निरीहों, गरीबों और महिलाओं की सरकार आएगी जिनके राज्य में जो है उम्मीद। यहाँ पर खलीलाबाद की अगर बात की जाए, 5 वर्ष पिछले सरकार रही, उसमें कितना विकास हुआ खलीलाबाद का? 5 साल में तो कोई विकास हुआ ही नहीं है। इसकी पिछली सरकारों ने जो कार्य किया है वो जो अधूरे काम है जब पूरा हो गए, क्योंकि फंडिंग पहले हो गई थी उस पर ये फीता काट करके और उसका उद्घाटन कर करके अपने काम का जो है ढिढोरा पीट रहे हैं, बस यही काम इन्होंने किया है। जी भैया, कैसी सरकार चाहते हैं? क्या साइकिल को लाएंगे या कमल खिलाएंगे? कमल का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, साइकिल ही सरपट दौड़ रही है और रेल की तरह दौड़ रही है। हम लोग साइकिल ही लाएंगे। भैया अखिलेश ही मुख्यमंत्री बनेंगे क्योंकि नौजवानों को रोजगार देने का जो वादा किया है
वो अखिलेश जी ने किया, पहली कैबिनेट में 10 लाख रोजगार, आईटी सेक्टर में 22 लाख रोजगार, माताओं बहनों के लिए सब पैसा जो कन्या विद्याधन की योजना लाए, लैपटॉप की योजना लाए, जो मौजूदा सरकार है इसने क्या किया? इसने तो कोई काम ही नहीं किया, हर चीज़ कम करने के नाम पे आए और उन्होंने हर चीज़ बढ़ा दिया, बढ़ाया और घटाया क्या? हमारे खर्चे को घटाने के नाम पे आए थे, हमारे खर्चे को भी डबल कर दिया। हमारे जेब में जब पैसा ही नहीं होगा तो हम क्या खाएंगे, क्या नहाएंगे, क्या करेंगे? हमारे पास कुछ भी नहीं बचा इस सरकार में, हम यहाँ कुछ भी नहीं जीवित सिर्फ इसलिए हैं कि हाँ हमें तो जीना है ही है, लेकिन आम जनमानस इतना परेशान है कि उसके पास खाने के लिए नहीं पैसे बच रहे हैं, जितना वो कमाता है उसका घर का जो चूल्हा चौकी है वो नहीं है। 400 का सिलेंडर था जब ये सरकार आई थी और 1,500 का सिलेंडर हो गया, 50 रुपये का डीजल था जब ये सरकार आई थी 100 के पार हो गया है। आप बताइए, ये लोग कम दाम देने के नाम पे आए थे, महंगाई बढ़ाने के नाम पे आए थे? अच्छा, क्या लगता है पिछले सरकार में जैसे अखिलेश की सरकार रही थी तो उस समय भ्रष्टाचार जिस तरह से बड़ा था या असुरक्षित लोग थे, तो या योगी सरकार में ज़्यादा बेहतर है? पहले से योगी सरकार बेटर है या अखिलेश सरकार बेटर है? आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। आप खुद, आप तो पत्रकार महोदय हैं, आप खुद लोगों को जाके देखते हुए, किसान एक बैठ कर कहीं अपनी मांग रख रहा था, उस पर गृह मंत्री का बेटा अगर गाड़ी चढ़ाता है तो गुंडे वो सरकार है, जो सरकार चला रही थी वो गुंडे हैं। आप बताइए पिछली सरकार में ऐसा कहीं हुआ है? अच्छा, विपक्ष तो कहता है कि गुंडे और मवालियों की सरकार है, हुड़दंगियों की सरकार है, तो क्या लगता है? आप बताइए, जिस सरकार में महिलाओं की साड़ी खींची जा रही हो, किसानों के ऊपर रेल की तरह चढ़ा, दंगे तो सपा सरकार में भी हुए, एनसीबी के आंकड़े बताते हैं 150 से ज्यादा दंगे इनकी सरकार में हुआ है, पर आप लोग जैसे मीडिया भाई लोग कभी दिखाते नहीं है हमारी सरकार का, या पिछली बैंक सरकार का दिखाते, इस सरकार का तो कभी दिखाते ही नहीं है। लगभग एनसीबीआरबी के जो आंकड़े हैं 150 दंगे हुए हैं छोटे बड़े, क्यों उसको नहीं? दंगा तो इस सरकार में हुआ, गुंडों की तो सरकार ही। अखिलेश भैया को कितना नंबर देना चाहते हैं? मैं 10 में 10 नंबर देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया जी। भैया, क्या लगता है खलीलाबाद की जनता जो है किन मुद्दों को लेकर के 3 मार्च को वोट करेगी? खलीलाबाद की जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जब पिछला कार्यकाल था 2012 से 17 में, तो उन्होंने एक नए विजन के साथ उत्तर प्रदेश में काम किया था, गरीबों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, सभी के लिए काम किया था। काफ़ी नौकरी भी उन्होंने दी थी, चाहे शिक्षा जगत में हो, स्वास्थ्य में हो, या और प्रशासनिक क्षेत्र में हो। और इसके अलावा देखिए, गाँव में जैसे सिंचाई फ्री थी, स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी अच्छा काम किया था, लखनऊ में जैसे मेदांता हॉस्पिटल उन्होंने बनाया और लोहिया इंस्टीट्यूट बनाया, हॉस्पिटल बनाया, बहुत पैमाने पे काम किया। बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है कि यहाँ पर भाजपा से विधायक हुए पिछले वर्ष में, और भाजपा के बाद अब वो जो है समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है, तो क्या लगता है उन्होंने भाजपा में रहते हुए विकास किया? देखिए, भाजपा में रहते हुए तो सही मायने में ज़्यादा विकास नहीं किया, क्योंकि यहाँ बगल के डिस्ट्रिक्ट में से सीएम आते हैं गोरखपुर से। अच्छा, तो क्या लगता है कि अब उनको चुन कर के लाएंगे यहाँ का विधायक, अगर आप समाजवादी पार्टी से बनाएंगे तो विकास करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो मैं यहाँ के लोग विधान खलीलाबाद विधानसभा की बात कर रहा हूँ, जो 5 वर्षों में विकास नहीं किया, तो अब लगता है विकास होगा? नहीं, बिल्कुल विकास हो, समाजवादी की तो सरकार थी नहीं 5 वर्षों में, बीजेपी की सरकार थी, तो बीजेपी से विधायक थे, विकास नहीं किया, तो देखिए वो एक अलग विषय है। लेकिन आज जो मौजूदा समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उन पे हम सबको और जनता को विश्वास है, अपार जन समर्थन इसलिए प्राप्त हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश। 10 में से कितना नंबर देंगे? पूरा 10 नंबर देंगे, और बहुत अच्छा विकास होगा। पिछली बार जो विकास राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया था, उससे बहुत बढ़ चढ़ के विकास होगा। देखिए, उन्होंने तमाम अपने घोषणा पत्र में दिया है कि हम पहली ही कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, 22 लाख आईटी सेक्टर में रोजगार देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे उत्तर प्रदेश, सिंचाई फ्री देंगे, दवाई फ्री देंगे, महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन देंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर के तमाम उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल कर रखी हैं। बहुत सारी अनगिनत योजनाएँ हैं, मेट्रो जैसे कई शहरों में बनी थी और उसका आगे बढ़ाया जाएगा, और जैसे आगरा में और तमाम शहरों में, कानपुर में, लखनऊ में भी और आगे बढ़ाया जाएगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, अनगिनत योजनाएं। जैसे घोषणा पत्र की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारी घोषणाओं को कॉपी किया है, क्या लग रहा है कि उन घोषणाओं में जो बीजेपी ने शुरू कर दिया उनको आपने घोषणा पत्र में ला करके शुरू किया है? बीजेपी ने तो कुछ किया ही नहीं, उनका कौन सा घोषणा पत्र, उन्होंने कुछ किया हो तो बताइए। आप लोग भी देखिए, भारत के स्तंभ हैं, चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, कोई विकास बता दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में बता दीजिए,
चलिए खलीलाबाद अगर विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ के मुद्दे कौन से हैं और जो पिछले विधायक नहीं कर पाए तो वो इस बार उन मुद्दों को लेकर के जो है मैदान में तमाम प्रत्याशी हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ जनता किन मुद्दों पे जा करके वोट? मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ सर, मैं तो सबसे ज़्यादा बात यही करना चाहता हूँ, जो हमारे जो बेरोजगार घूम रहे हैं, सबसे पहली प्राथमिकता तो ये भी इस बात की है। और दूसरी बात यह है कि महंगाई एकदम चरम सीमा पर है, जिस चीज़ का अगर दाम नहीं बढ़ा हुआ है तो उसका में से कटौती हो गया है, 2 पीस 3 पीस कमी हो गया। आज बच्चों के जो पार्ले बिस्कुट है उसमें बताइए 16 पीस आ रहा था, आज 12 पीस आ रहा है, मैं क्या करूं बंधु? आप ही बताइए कि कितनी बड़ी महंगाई हो गई है। सबसे मेन मुद्दा हम लोगों को बताइए, किसान की खाद 50 किलो की आती थी, आज 45 किलो की बोरी आ रही है, क्या किया? सीएम चेहरा किसे देखना चाहते हैं, योगी या अखिलेश? अखिलेश को।